मैं हूं नोद, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हमारे फार्म में बेच का 24वां दिन है और 24वें दिन में इसी फार्म में ठंड के दिनों में किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं उसके ऊपर जो है हम बातचीत करेंगे। दोस्तों इसी फार्म का काम करने का सिस्टम होता है ठंड कूलिंग सिस्टम के ऊपर, जैसे कि अगर तापमान अगर बढ़ता है तो सिस्टम को जो है चलना चाहिए। और इसमें इसी फार्म में फार्म का ठंडे होने का एक मुख्य कारण क्या होता है कि कूलिंग पैड इसमें अहम रोल निभाता है। जैसे कि कूलिंग पैड के ऊपर अगर ठंडा पानी अगर गिरेगा तो कूलिंग पैड की टेंडेंसी होती है कि उससे जो भी हवा आएगी फार्म के अंदर जो इंटर करेगी वो हवा ठंडी हवा जो फार्म के अंदर जाती है। अब या जैसे कि ठंड के दिनों में अब वो किस प्रकार से काम करेगा वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। चूँकि ठंड के दिनों में अभी मैं जैसे कि 24वां दिन है, पिछले दो दिन से जो है कूलिंग पैड चल रहा है, इसके पहले जो कूलिंग पैड की आवश्यकता ही नहीं लगी क्योंकि तापमान जो है बाहर का भी तापमान इतना ऊपर नहीं जा रहा था और फार्म के अंदर का भी तापमान जो है इतना ऊपर नहीं जा रहा था। दोस्तों जैसे ही तापमान बढ़ा वैसे ही जो है कूलिंग पैड सेंसर ने जो सेंस कर लिया और सेंस करने के साथ में जो है कूलिंग पैड की मोटर भी चालू हो गई। तो जैसे ही कूलिंग पैड की मोटर चली तो उसके कारण जो उससे होकर जो आने वाली हवा है वो ठंडी हवा आने लगी, तो उसके कारण जो है फार्म के अंदर का तापमान कम हो गया। अब ये ठंड के दिनों में तो कुल मिला के ठंड हो बरसात हो या फिर गर्मी हो तीनों में इसी फार्म का कार्य करने का जो तरीका यूनिफॉर्म होता है एक जैसा होता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो ही कूलिंग पैड की मोटर चलेगी और फार्म के अंदर के तापमान को कंट्रोल करेगी। किंतु अभी जैसे कि फार्म के बाहर का तापमान 26 डिग्री है तो फार्म के अंदर का तापमान भी, चूंकि बाहर का तापमान और हवा जो आ रही है फार्म के बाहर से आ रही है तो बाहर का तापमान 26 डिग्री तो फार्म के अंदर का तापमान भी कितना हो गया 26 डिग्री। अब जैसे कि मैंने जो है अभी सेट कर रखा है 27 डिग्री, जैसे ही फार्म के अंदर का तापमान बने तो कूलिंग पैड की मोटर चले। तो चूंकि रात में और करीब करीब दिन में भी जो है करीब 11 बजे तक ये सीन नहीं हो रहा है कि तापमान जो है 27 डिग्री से ऊपर जाए, कभी कभी जो है 12 बजे 1 बजे के आसपास जो तापमान करीब 27-28-29 के आसपास जाता है तो वैसे कूलिंग पैड की मोटर भी चल जाती है। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है चाहे ठंड हो बरसात हो या गर्मी हो इसी फार्म कंट्रोल पैनल के हिसाब से काम करता है। जो हम उसको कमांड देते हैं जैसे कि अभी आज जो मैंने सेट किया 27 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर जाएगा तो कूलिंग पैड की मोटर चलेगी, तो ही और तो ही जो पीछे लगे दो एग्जॉस्ट फैन हैं वो चलेंगे। और अभी जो हमने क्या किया है कि 50 सेकंड ये एग्जॉस्ट फैन चालू रहता है और 50 सेकंड ये एग्जॉस्ट फैन बंद रहता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है कि क्योंकि तापमान तो फार्म के अंदर का कम है किंतु फार्म के अंदर गैस तो कंटिन्यू डेवलप हो रही है और गैस अमोनिया गैस डेवलप हो रही है जो कि मुर्गियों के लिए हानिकारक होती है। तो उस गैस को समय समय पर बाहर निकालने के लिए हमने जो है इस एग्जॉस्ट फैन को टाइमर के ऊपर डाल रखा है। टाइमर का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, उसको जितनी देर के लिए आपने जो है चालू रखा है वो उतनी देर के लिए चालू होगा और जितनी देर के लिए आपने जो बंद किया है वो उतनी देर के लिए बंद होगा। उसका टेम्परेचर से कोई संबंध नहीं होता, टेम्परेचर चाहे फार्म के अंदर का गिर रहा हो तो भी टाइमर काम करेगा और टेम्परेचर चाहे बढ़ रहा हो तो भी टाइमर काम करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकला, अभी आप देख सकते हैं कि अगर फार्म के अंदर का तापमान अगर ठंड के दिनों में अगर कम होता है, कभी भी मुर्गियों की एक टेंडेंसी होती है अगर ठंडा अगर रहेगा तो उस कंडीशन में क्या करें मुर्गियां झुंड बना के बैठेगी, किंतु वास्तविकता में ऐसा कहीं पे भी नहीं है। पूरे फार्म में आप देख सकते हैं पूरे फार्म में मुर्गियां फैल के बैठी हुई, इसका मतलब ये हुआ कि फार्म के अंदर का तापमान मेंटेन है बना हुआ है। तो जो फार्मर भाई सवाल करते हैं कि ठंड के दिनों में किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए, दोस्तों हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तीन चार चीज़ों को ध्यान रख देने की आवश्यकता है। नंबर वन कि हमारा जो कंट्रोल पैनल सिस्टमेटिक तरीके से काम करे, दूसरा कि हमें कितना टेम्परेचर चाहिए उसको टेम्परेचर पर जो है उसको सेट कर दो, वो अपने आप जो है कमांड करता रहेगा और फार्म के अंदर के क्लाइमेट को कंट्रोल करता रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, धन्यवाद।